नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के कालागढ़ की, जहां से हमारे संवाददाता मोहम्मद शुएब से मिली जानकारी के अनुसार कालागढ़ में जंगली हाथी ने एक राहगीर पर हमला कर दिया। बता दें कि स्थानीय निवासी सुरेश बाजार से अपने घर जा रहा था, तभी झाड़ियों से निकलकर एक जंगली हाथी ने सुरेश के ऊपर हमला कर दिया। हाथी का हमला इतना जबरदस्त था कि सुरेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस बात से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। मृतक के परिजनों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने जानकारी देते हुए बताया, यहाँ पे सुरेश कुमार को कल हाथी ने पटक के मार दिया, उसकी मौत हो गई है। इसी विषय में रेंजर साहब से बात करी गई, उन्होंने कहा जो भी मुआवजा इनके लिए बनेगा वो मुआवजा इनको दिया जाएगा और हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास करेंगे कि इनको उचित मुआवजा दिलाया जाए। लगभग एक माह से हाथी का मूवमेंट हाइडिल वाले चौराहे से भिक्का वाले गांव में, चूंकि वो गन्ना खाने जाता है, और उसी क्रम में जो है वन विभाग के द्वारा उस पर हवाई फायरिंग ट्रैक्टर उसकी तरफ जो है दौड़ाया जाता है, जिससे हाथी हिंसक हो गया। जबकि कल भी यही घटनाक्रम हुआ था, उसे हाथी को दौड़ाया गया, वो इधर दौड़ के आया तो यहाँ पर सुरेश जी नाम के व्यक्ति जो है साइकिल से आ रहे होंगे, अचानक उनके सामने हाथी आ गया और जिसमें उसने उन पर हमला किया, जिसमें दुखद मृत्यु उनकी हुई है। उधर पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं थाना अध्यक्ष उमेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया, 25/2/2022 को नई कॉलोनी कालागढ़ के निवासी श्री विजेंद्र सिंह द्वारा सूचना दी गई थाना पर कि उसके चाचा को हाथी के द्वारा घायल करने से मृत्यु हुई है। इस सूचना पर मैं SO उमेश कुमार मैं फोर्स के घटनास्थल पर आया। मृतक के शव को कब्जे में लेकर PM हेतु कोटद्वार भेजा जा रहा है, बाद जांच उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।